दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे पांच ऐसे तेज गेंदबाजों के बारे में जो कि भारत में टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले सबसे उम्रदराज तेज गेंदबाज है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधे चलते टॉपिक पर। तो दोस्तों इंग्लैंड और भारत के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट के दौरान इंग्लैंड के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन भारत में टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले सबसे उम्रदराज तेज गेंदबाज बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने 41 साल 187 दिन की उम्र में ये उपलब्धि हासिल की है। आइए एक नज़र डालते हैं इस लिस्ट में एंडरसन के साथ और कौन कौन तेज गेंदबाज शामिल है जो कि भारत में टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले सबसे उम्रदराज तेज गेंदबाज है। तो दोस्तों इस लिस्ट में आगे नाम है लाला अमरनाथ। जी हाँ दोस्तों, लाला अमरनाथ जो कि महेंद्र अमरनाथ के पापा है, जो कि 1983 में वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडिया टीम के हिस्से भी थे। दोस्तों इंडिपेंडेंट भारत के पहले कप्तान लाला अमरनाथ 41 साल और 91 दिन के थे जब उन्होंने 1952 में भारतीय धरती पर पाकिस्तान के खिलाफ अपना अंतिम टेस्ट खेला था। दोस्तों नंबर तीन पर है रे लिंडवाल। दोस्तों रे लिंडवाल के नाम को आप में से कई लोग सुने होंगे और कई लोग शायद नहीं सुने होंगे। दोस्तों रे लिंडवाल एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे और भारत में टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले तीसरे सबसे उम्रदराज क्रिकेटर थे। जब उन्होंने आखिरी बार भारत में टेस्ट मैच खेला था तब उनकी उम्र 38 साल और 112 दिन थी। दोस्तों नंबर चार पर है सूत बनर्जी। दोस्तों सूत बनर्जी एक भारतीय क्रिकेटर और घरेलू मैदान पर टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले चौथे सबसे उम्रदराज तेज गेंदबाज थे। 1949 में जब उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था तब उनकी उम्र 37 साल और 124 दिन थी। हमारे इस वीडियो में नंबर पाँच पर और लिस्ट के आखिरी में है गुलाम गार्ड। दोस्तों बता दें कि गुलाम गार्ड एक भारतीय तेज गेंदबाज थे जिन्होंने 1960 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था, तब उनकी उम्र 34 साल और 20 दिन थी। तो फिलहाल आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आगे मिलते हैं क्रिकेट से जुड़ी हर एक खबर और ऐसे ही कुछ अनसुने रिकॉर्ड्स को लेके। तो अभी के लिए अलविदा।